गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका नंदिता पढ़ा रही हूँ, व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें पार्ट वन में भाषा, लिपि और व्याकरण नामक पाठ है। इसे आप पुस्तक खोलकर रखें। भाषा सर्वप्रथम मैं बताने जा रही हूँ, मनुष्य कोई भाषा का प्रयोग अवश्य करता है, तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर और लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर और पढ़कर जानते हैं। भाषा के दो भेद हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा इसमें विचारों को बोलकर और सुनकर जाना जाता है, जैसे कहानी सुनना, बातचीत करना। लिखित भाषा इसमें अपने विचारों को लिखकर और दूसरों के विचारों को पढ़कर जाना जाता है, जैसे कहानी लिखना। सांकेतिक भाषा इसमें विचारों को संकेत से जाना जाता है, जैसे ट्रैफिक पुलिस। हालांकि सांकेतिक भाषा मान्य नहीं है। मातृभाषा, बच्चा जो सर्वप्रथम अपनी माँ और परिवार के सदस्यों से बोलना सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारतीय संविधान में पूरे राष्ट्र में राष्ट्रभाषा का प्रयोग किया जाता है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को इसे मान्यता, राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इसलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। बोली, किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। बोली और भाषा में अंतर, बोली का क्षेत्र सीमित होता है, इसमें इस साहित्य नहीं होता, सिर्फ कथा और लोकोक्तियों में ही इसका प्रयोग होता है। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, इसका साहित्य और व्याकरण होता है। लिपि, लिखने के लिए, भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी है। उर्दू की लिपि फारसी और अंग्रेजी की लिपि रोमन है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके पढ़ने से हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना आता है। व्याकरण के तीन भेद हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसमें वर्णों की बनावट, उच्चारण और भेद के विषय में जाना जाता है। शब्द विचार, इसमें शब्दों की बनावट, भेद और परिवर्तन के विषय में जाना जाता है। वाक्य विचार, इसमें वाक्यों के की बनावट, भेद और परिवर्तन के विषय में जाना जाता है। धन्यवाद स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।